गलियों की गलियों से खोजे ऐसा सितारा जिस पे तपती अग्नि और ज्वाला। जिसको सबका इंतजार वही बनेगा सड़क का सुपरस्टार। सुपरस्टार नैना भी मल्हार बन के बरसे रे, आधे से अधूरे से बिन तेरे ना जिए। सरक का सुपरस्टार। सरक का सुपरस्टार। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। नमसा से तेजपुर तक थका देने वाली 8 घंटे की ड्राइव और एक रात के होल के बाद मैं तैयार हूँ मेरी अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो है वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट। ये शेयर करता है अपने इंटरनेशनल बॉर्डर नॉर्थ में तिब्बत से और वेस्ट में भूटान से। मेरी जो सफर रहा है पूरे टाइम आप देख ही रहे हो कितना लंबा रहा है, लेकिन जो मेरे अंदर की ऊर्जा है नए लोगों को मिलना और उसके साथ साथ टैलेंट ढूंढना, शायद वो मुझसे छीन नहीं पाएगा। तो दोस्तों, मैं इस वक्त वेस्ट कमिंग कलकत्ता में हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मेरा सफ़र कैसा होगा और मुझे कैसे लोग मिलेंगे, कैसे टैलेंट मिलेंगे, लेकिन जो मेरे अंदर का जुनून है, मेरे अंदर की जज्बा है टैलेंट ढूंढने का, वो शायद मुझसे कोई चुरा नहीं पाएगा। वेस्ट कमिंग में है स्टेट का हाईएस्ट पीक कांगते और मेरा फर्स्ट स्टॉप है यहाँ की डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल कलकत्ता। बसते हैं अरुणाचल की एक और मेजर ट्राइब मोनपास। इस कम्युनिटी पर काफी बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस है और यहाँ पर हर फरवरी में मनाया जाता है यहाँ का मेन फेस्टिवल लोसर। एक बहुत छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल है और यहाँ पे मोनपास गुल मिल के रहते हैं
और यहाँ का शहर, यहाँ का मार्केट भी छोटा ज़रूर है, लेकिन यहाँ का टाउन काफ़ी फैला हुआ है। और यहाँ पे मुझे टैलेंट मिलेगा या नहीं पता नहीं। हाय, मेरा नाम चौमिना है, आपका गुड नेम? मेरा नाम तेंजिन है। तेंजिन, आपका गुड नेम? पख्तर की बो। आपका गुड नेम? नीमा। नीमा, हाँ जी। तो सबसे पहले बात तो अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह कलकत्ता में ये मेन मार्केट में आप तीनों को मिला, आई एम थैंकफुल, एक्चुअली थैंकफुल। तो जैसे आपको मैं बता रही थी कि मेरा शो है और हमारा शो है जिसका नाम सड़क का सुपरस्टार है, और ये शो ऐसा शो है जिसमें हम टैलेंट ढूंढ रहे हैं पूरा अरुणाचल में, और सिलेक्टेड जो भी होगा वो सीधा ईटानगर जाएगा। तो आप तीनों से, सिंस आप तीनों यूथ है और यहाँ के हैं, तो हम सोच रहा था कि आप तीनों से ही हम थोड़ा पूछपाछ कर लेगा कि मतलब टैलेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको यहाँ पे, ना क्या लगता है? ये ऑब्वियसली यहाँ में टैलेंट तो है, अभी क्योंकि वैकेशन का समय है, सब इधर उधर गए हुए हैं ना, तो अभी एक अभी फिर एडमिशन का समय हो रहा है, तो अभी आपको यहाँ पे तो नहीं, ऑब्वियसली बाहर सब पहाड़ पे है, बाकी सब अपने अपने काम में बिजी है, तो उन लोग भी यहाँ पे अप्रोच नहीं कर सकते ना, इसीलिए फिलहाल मेरे तरफ से तो सॉरी, अभी तो नहीं, तो कुछ टैलेंट मेरे पास तो कुछ टैलेंट नहीं है। एक लोकल गाना गा दो लगता है। लो सर खुशी थे नुंग आप मुझसे दो मिनट बात कर सकते हैं? बुझ पोने हमें हिंदी नहीं आता है आपको? हिंदी नहीं, हिंदी नहीं समझ में आता है? और आपसे हम कलकत्ता के बारे पूछेगा सोचा था आपसे हम, ना एक मोन पर गाना सुना दो ना, अच्छा वाला गाना। सोले सोले सो तो नो बेगे सोलो ना शरा शोगारे करा पुतुआले शरा शोगारे करा पोतोंवाले। वाह रे वाह, थैंक यू, धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप भी सुनते होंगे मोनपा गाना, तो दो लाइन मोनपा गाना हो जाए। हेलो जी, आप मुझसे बात कर सकते हैं दो मिनट? हेलो, तब वहाँ से अब घूर के यहाँ आया, सोचा आपसे हम पूछ लेगा कि आपको अंदर भी कुछ टैलेंट होता होगा, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, पेंटिंग, म्यूजिक। नहीं, हमको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है सब। कुछ भी इंटरेस्ट नहीं? आप क्या में इंटरेस्ट रखते हैं? थोड़ा मतलब पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट। पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं? वाओ, आप पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथ्स है। मैथ्स? ओ, खास मेरे पास कुछ इक्वेशंस वगैरह होता जो ये सॉल्व कर लेते हैं मेरे सामने। थैंक यू सो मच, आपसे मुझे बात करके बहुत अच्छी लगी। अच्छा, आप मुझे दो मिनट बात कर सकते हैं? आप बाइक को यहाँ पे साइड थोड़ा सा कर दीजिए। हाँ जी, तो वैसे कुछ ज़्यादा तरफ सवाल नहीं करना है, आप माइक देख के घबराइए मत। हेलो, माय नेम इज चमिना, आपका गुड नेम? जी, मैं तुप्तेन सिरिंग। तुप्तेन सिरिंग जी, तुप्तेन जी, आप यहाँ के रहने वाले हैं? जी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कलकत्ता के लोग मतलब कहाँ है? एक्चुअली मैं टैलेंट की खोज में हूँ और हमारा शो का नाम सड़क का सुपरस्टार है जी। तो आपको क्या लगता है टैलेंट मुझे मिलेगा यहाँ पे? और जब आप टैलेंट को गिनोगे तो वो कोई भी हो सकता है, डांसर हो सकता है, सिंगर हो सकता है, म्यूजिशियन हो सकता है, एक्टर हो सकता है, पेंटर हो सकता है, कुछ भी। तो आपको क्या लगता है यहाँ हमें टैलेंट मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। कहाँ मिलेगा? वैसे तो यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के लोग थोड़ा अंकल थे, वो अंडर डेवलप आदमी है, क्योंकि ज़्यादातर ज़्यादा लोग खेती बाड़ी में काम ध्यान देते हैं ना, क्योंकि तो अभी ज़्यादातर लोग तो अभी बस अभी बस्ती बस्ती तरफ में गांव-गांव की ओर कहीं पहाड़ वहाड़ के ओर अपने काम कर रहे होंगे। यहाँ के लोग हमेशा ऐसे बिजी रहते हैं। तो आप क्या करते हो जब आप फ्री होते हो? वैसे तो मैं तो हमेशा फ्री रहता हूँ। आप फ्री रहते हो? फ्री रहता हूँ। आप फ्री रहते तो चलिए इसी खुशी में हमें यहाँ का कलकत्ता का गाना सुना दीजिए दो लाइन। मुझे गाना गाना नहीं आता। नहीं आता गाना? बिल्कुल नहीं आता। बिल्कुल नहीं। तो आपने मेरे लिए ये बाइक रोका, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। कलकत्ता, आपका टैलेंट कहाँ है? और अभी अभी मुझे बोला है भगवान के भरोसा में देख लो, तो देखते हैं भगवान क्या करता है। सड़क का सुपरस्टार। हेलो, तो दो मिनट बात कर सकते हैं मुझसे? हेलो, आप नर्वस मत होइए, माइक देके नर्वस मत होइए, बिकॉज
ये आई एम एक्सप्लोरिंग का कालकतांग ओके माय नेम इज चर्मिना व्हाट्स अ गुड नेम माय नेम इज एबल दिव्या क्या एबल दिव्या एबल दिव्या अच्छा आपका नाम गुड नेम माय नेम इज जोनी रायतो जोनी रायतो और आपका माय नेम इज योंगतेन दाजंगजू तो मैं टैलेंट की खोज में यहाँ पे आई हूँ और आप तीनों ने मुझे अपना अपना नाम इंट्रोड्यूस किया है ना तो मुझे लगता है कि आपके अंदर भी कुछ टैलेंट हो सकता है आप क्या करते हो टाइम पास में टाइम पास में तो गेम खेलते हैं गेम खेलते हैं तो आप क्या करते हो टाइम पास में बोरिंग लगने से गेम खेलते हैं गेम ही खेलते हैं वाह रे वाह और आप क्या करते हो हम भी वही सेम है सिंगिंग गाते हैं गाना भी गाते हैं तो गाना हो जाए यार हमारे लिए यू नेवर नो अगर हमें आपका टैलेंट पसंद आया तो आपको हम अभी के अभी टिकट दे सकते हैं फॉर द नेक्स्ट राउंड इन ईटानगर यस एक्चुअली दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी और ऐसा अपॉर्चुनिटी हम बहुत कम लोगों को देते हैं तो अगर हमें आपका टैलेंट पसंद आया तो वो हो सकता है व्हाट से रेडी आई थिंक ये रेडी है आई थिंक ये रेडी है लो माइक टू यू सो हम ऐसे ही टाइम पास ऐसे नहीं देखो जरूरी नहीं है कि बाप रे बाप हमको इतना मतलब प्रोफेशनल जैसे गाना है कुछ भी हो सकता है जो हम लोग का थीम ही ये है सड़क का सुपरस्टार सड़क में किसी को भी बात करके हम लोग उसे टैलेंट ढूंढ लेते हैं टैलेंट अच्छा लगा तो हम लोग वो करते हैं ऐसे गाना तो ऐसे ही टाइम पास के लिए टाइम पास के लिए सही गाना ज्यादा तो नहीं गाएंगे थोड़ा सा होगा जैसे आपको कंफर्टेबल है ठीक है रेडी रेडी तुमसे अच्छा कौन है तुमसे अच्छा कौन है ले लो जिगर लो जान लो तुम हमारे है सनम तुम हमें पहचान लो थैंक यू वाओ कितना अच्छा गाना और एक हो जाए यार गाना सॉरी और एक गाना हो जाए इतना अच्छा गाना गा रहा था मैं तो डांस भी कर रहा था साथ में और तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूं हाय में कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय में कुछ कुछ होता है थैंक यू कितना अच्छा गाना गाया एक्चुअली में तो आप दोनों भी गाते होंगे ना आप नहीं गाते डांस करते हैं डांस भी नहीं करते कौन करते डांस देखो ये आपका दोस्त खुद बता रहा है दोनों डांस करते हैं देखो झूठ नहीं बोल रहे हैं तो पहले करता तो अभी भी ट्राई कर सकते हैं हम लोग का पास स्पीकर है हम लोग गाना बजा दे सकते हैं ट्राई करेगा चलो चलो गाना दे दो एक तो कौन सा गाना परफॉर्म करेगा जो भी गाना है इतना मतलब बड़ा अच्छा अच्छा जो आर्टिस्ट लोग सिलेक्ट हुआ है ऐसा परफॉर्म करके ना आप लोग भी हो सकता है यू नेवर नो तो यू कैन टेक अ चांस व्हाट से करेगा डांस एक्चुअली इट्स फर्स्ट टाइम ना तो कभी हम ऐसे कभी किसी ने किया नहीं तो इसीलिए तो ये जादू है सर का सुपरस्टार का कि लोग सोचेंगे भी नहीं कि हम उसके पास आएंगे यही है तो हमारा मकसद ये है कि हम लोगों से बातें करके किसी से भी जैसे भी क्योंकि इसी का थीम ही है सड़क मीन्स हम किसी से भी हम लोग बातें करके और उसमें उसका टैलेंट हमें अच्छा लगा तो हम लोग वहीं के वहीं उसको हम लोग वो करते हैं अप्रिशिएट करते हैं तो दैट्स द थिंग तो आपको लगता है आपको दोनों रेडी है रेडी नहीं है ट्राई कर सकता है रेडी नहीं है अभी तो रेडी नहीं है बिल्कुल भी नहीं है तो आपको क्या लगता है कलाकृति में टैलेंट मिलेगा ढूंढने से हाँ मिलेगा पक्का मिलेगा कहाँ मिलेगा यहीं पे आसपास में आसपास में तो मैं आगे आसपास बढ़ती हूँ और देखते हैं कि मुझे टैलेंट मिलता है या नहीं मिलता है शर्मिना है और आपका गुड नेम क्या है मेरा नाम लोपसंग ईशी लोपसंग हेलो जी लोपसंग जी अच्छा जी तो आप यहाँ के रहने वाले जी. हो अच्छा कलकत्ता में रहते हो जी. तो क्या है कि हम कलकत्ता में टैलेंट की खोज में आए हैं अच्छा. तो हमारा टीवी शो है जिसका नाम है सड़क का सुपरस्टार अच्छा. लोपसंग जी मुझे लगता है आपके अंदर भी कुछ टैलेंट होगा गाना गाता था गाता था गाता चलो था। गाता था को अभी गाता है बना देते चलो बफा जो तुमसे कभी मैंने निभाई होती उम्र नामों तुम्हें सड़कों पे गवाई होती वफा जो तुमसे होती गैरत तो तेरे साथ ही
मर जाते सजन। थैंक यू अभी। तो लोपसंग जी, तो मैं आपको ऑफर देती हूँ ये टिकट ईटानगर के लिए, और आप सेलेक्ट हो चुके हैं, तो अगर हम सेलेक्ट आपको किए हैं ऑलरेडी, तो क्या आप ये सिलेक्शन को हाँ बोलना चाहते हो या फिर ना? तकरीबन 20 साल हो गया मैंने गाया नहीं है। अच्छा जी, तो आपको वहाँ में जाके प्रैक्टिस करके फिर गाना होगा, तो मेरे ख्याल से ये समय मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं मेरे। समय और वक्त को हम आपको देंगे, लेकिन आपका वक्त जो है, जो आपने 20 साल से नहीं गाया, क्या वो वक्त हमें देंगे? बिल्कुल, अगर मैं टिकट दूंगी बिल्कुल, बिल्कुल आप लोग अगर मुझे मौका देगा तो मैं समय दे सकता हूँ। मैं समझूंगी आपकी तरफ से हाँ है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी तरफ से हाँ है, यही खास बात है इस शो का, सड़क का सुपरस्टार। हम सड़कों पे किसी से भी जाके हम बातें करते हैं, लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से हम घुल भी मिल जाते हैं, लेकिन घुल मिलने के साथ साथ सबसे बड़ी मकसद तो यही है कि हम जो टैलेंट जो खो चुके हैं उसको हम रिवाइव भी करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं बहुत सालों से उनके अंदर टैलेंट कूट कूट के बड़ा हुआ होता है, लेकिन क्या है कि समय के साथ साथ, वक्त के साथ साथ, अपनी रोजी रोटी कमाने की चक्कर में और अपना रोज़ का काम में वो लगे पड़े हुए होते कि वो अपना टैलेंट को ही गंवा देते हैं, भूल जाते हैं। तो फिलहाल मैं इसे याद दिलाने आई हूँ कि ये वक्त है, आप अपना टैलेंट को दोबारा प्लेटफॉर्म में ला सकते हैं और रिवाइव कर सकते हैं। ये जो सड़क सुपरस्टार इसीलिए बहुत खूबसूरत है। तो मैं इसी खूबसूरती को आगे बढ़ते हुए इसे मैं ग्रैंड ग्रैंड ऑफर देना चाहती हूँ। टिकट्स कहाँ है? टिकट्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, तैयारी शुरू कीजिए, थोड़ा खेती बाड़ी को थोड़ा छोड़ के, थोड़ा वक्त के लिए इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है? और हम बहुत खुश होंगे कि आप जैसे हमारे शो में शामिल होंगे। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ। तो इसी खुशी को मैं आगे लेते चलूंगी और नए टैलेंट खोजने। सड़क का सुपरस्टार, सड़क का सुपरस्टार। जी, आप 2 मिनट मेरे लिए वक्त दे सकते हो? मैं बिजी है। अच्छा अच्छा, आप 2 मिनट मुझे वक्त दे सकते हो? तो ये लोग खाने में काफ़ी बिजी है और कह रहा है कि वो लोग खा लेंगे, तो मुझे लगता है मुझे दूसरी ओर मंजिल बढ़ना होगा। हेलो जी, आप मुझसे बात करेंगे 2 मिनट? आप मुझसे बात करेंगे 2 मिनट? नहीं, मैं तब सवाल नहीं करूंगी, सादा सादा सवाल करूंगी। नहीं करना मुझसे बात? नहीं करेंगे बात, क्यों? आप मुझसे करेंगे 2 मिनट बाद? कुछ नहीं, हिंदी अच्छे से आने आने से बात ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? मैं यहाँ बैठ जाऊँ? मैं बैठ जाऊं? अच्छा, तो आंटी जी ये यहाँ का कलकत्ता का डेली मार्केट है ना? हाँ, यहाँ का डेली मार्केट है। अच्छा, तो आप रोज सब्जियाँ बिक्री करते हैं? दिन में कितना बिक्री हो जाता है? दिन में होते दो बस्ता, तीन बस्ता बिक्री होते हैं। दो बस्ता तीन बस्ता अगर गिनती पैसे की गिनती में है तो कितना आता है? 2,000-3,000 दिन में बिक्री हो जाता है, ठीक है? तो आप सोच रहे हो कि मैं माइक पकड़ के आपको क्यों बात कर रही हूँ और मैं कौन हूँ, है ना? आंटी जी, आंटी जी, मेरा नाम चमिना है और मैं एक शो कर रही हूँ जिसका नाम है सड़क का सुपरस्टार, और हम लोगों से टैलेंट ढूंढ रहे हैं यहाँ पे कलकत्ता टाउन में। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर भी कुछ टैलेंट होगा, है ना? हम लोग तो कुछ भी है, गाना भी नहीं आते, नाचते भी नहीं आते। तो आप लोसर में नहीं नाचते? हम लोसर में नहीं गाते, हम नाचते भी नहीं है। तो आप, अच्छा, हम ऐसे घर में बैठ के खाके पी के सो जाते हैं। घर में बैठ के खाके पी के सो जाते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे वक्त दिया। थैंक यू जी, थैंक यू। नमस्ते, आप मुझसे 2 मिनट बात करोगे? आंटी जी,
अब कैमरा देख के भाग रहे हो. ज्यादा टफ सवाल नहीं करेंगे, बस छोटी छोटी कुछ पूछना है. उनको हिंदी आती है समझ में? हिंदी हिंदी नहीं आता समझ में उसको? आता है. आपको आता है? आप मुझसे बात करोगे? मैं बस कलकत्ता के बारे में मुझे जानना है. आइए यहाँ आइए. यहाँ के लोग बहुत इनोसेंट होते हैं, तो काफ़ी टाइम वो लोग जब माइक देखते हैं, कैमरा देखते हैं, उनको लगता है कि मीडिया वाले आ गए, न्यूज़ वाले आ गए, कहीं हमें उल्टा पुल्टा सवाल ना करें, पता नहीं कौन आ गया, तो लोग देखते ही भाग जाते हैं. तो जैसे आप भाग रहे थे ना, तो आंटी जी आपको पता हो ही गया कि हम मीडिया वाले नहीं हैं, तो आप मुझे अभी बात करोगे? हाँ जी, दो मिनट. ठीक है, आओ आंटी यहाँ पे. नहीं नहीं पक्का. तो देखो मुझे कितना टाइम लग रहा है लोगों को ये बताने में कि हम मीडिया वाले नहीं हैं, हम एंटरटेनमेंट वाले हैं. तो मुझे लगता है कि लोगों को मुझे कन्विंस करने में काफ़ी टाइम तो लगेगा, लेकिन क्या है कि जो टैलेंट का खोज है वो मुझे ढूंढते रहना पड़ेगा और शायद मिल ही जाए यहाँ. के साथ बातें करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एक डांस क्लास का कुछ है और सिखाता है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वहाँ जाके देख लूँ, शायद कुछ मिल जाए. यही है वो डांस स्टूडियो और मैं जा रही हूं. हाय नमसा जी. हेलो. मैं बहुत ही खुश हूँ इस वक्त यहाँ पे आके, क्योंकि मुझे जब मैं यहाँ पे घूम रही थी टैलेंट की खोज में, तो लोगों ने मुझे काफ़ी इस आपके बारे में बताया और ये डांस स्टूडियो के बारे में बताया. तो सबसे पहले बात, थैंक यू आप मुझे मिले और आप मुझे इस वक्त भी दे रहे हैं. तो मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, आपको क्या इंस्पिरेशन किया है जिसकी वजह से आपने ये छोटा सा डांस स्टूडियो वो भी कलकत्ता में खोला है? और कितना अच्छा बात है, बच्चा भी है क्या आपका, स्टूडेंट है ये सारे? हाउ नाइस. तो आप मुझे बताइए आपका ये सफ़र कैसे गया और आपने कैसे शुरुआत की है ये छोटा सा डांस स्टूडियो का? मेरा पहले शुरुआत गुवाहाटी से हुआ, फिर मैं गया मुंबई फॉर 2 ईयर्स, फिर 2 साल दिल्ली में रहा, फिर गुवाहाटी आके फिर मेरे यहाँ पे. अच्छा, तो आप दिल्ली भी था, मुंबई में भी था, आप क्या कर रहा था वहाँ पे? वहाँ पे मेरा डांस का ट्रेनिंग कर रहा था. अच्छा, वहाँ पे मीन्स अच्छा अच्छा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ से मैंने ट्रेनिंग किया. तो आपने कैसा ऐसा सोचा कि हाँ मैं कलकत्ता में भी मैं एक डांस क्लास खोल दूँ? एक्चुअली मेरा प्लानिंग पहले से था, बट पहले इतना डेवलप नहीं था कलकत्ता. अच्छा, तो मीन्स अभी थोड़ा अच्छा मीन्स डेवलप हो गया, लोग एजुकेटेड हो गया, तो लोग समझने लग गया कि इसका वैल्यू क्या है क्या नहीं है. तो वही सोच के मैंने सोचा कि अच्छा कर सकता है कलकत्ता में भी. तो एक्चुअली आप सोच रहे हो कि मैं आपसे बातें कर रही हूँ, तो मैं तो अपना नाम ही आपको इंट्रोड्यूस करने भूल गई. माय नेम इज़ शमीना. हेलो. और हम एक शो कर रहे हैं जिसका नाम है सरका सुपरस्टार, और ये शो में पूरा अरुणाचल में हम हर जगह में जाके टैलेंट ढूंढ रहे हैं. तो टैलेंट तो कोई भी हो सकता है, वो तो आपको भी खुद पता है ना कि टैलेंट किस तरह का होता है. कुछ भी हो सकता है, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, कुछ भी हो सकता है. तो मैं सोच रही हूँ कि अगर आप अलाउ करोगे तो मैं इन बच्चों का मैं परफॉर्मेंस देखूंगी. जैसे भी करें, जैसे भी सोलो करने से भी ठीक है, कुछ ये ग्रुप भी करने से जैसे आपको सही लगेगा वैसे करेंगे.
हेलो नमसा जी, आपको बच्चों का मैंने परफॉर्मेंस देखा, वो लर्नर है, अभी सीख रहे हैं और सबसे अच्छी बात तो ये कि वो सीख रहे हैं और फिर भी बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और उसके साथ साथ आप डांस सिखाते हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी परफॉर्मेंस भी देखा जाए, आपका डांस भी देखा जाए और उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे कैसा है। नहीं, आप रेडी है हमारे लिए डांस करने के लिए? रेडी है? वाह, ये रेडी है, चलो इसके परफॉर्मेंस देखते हैं। आपका परफॉर्मेंस मैंने अभी देखा और आपका परफॉर्मेंस अच्छा था बुरा था मैं बताऊंगी, उससे पहले मैं बताने से पहले इन बच्चों का जो परफॉर्मेंस देखा, डांस देखा, बहुत प्यारा था, बहुत ही बहुत प्यारा था, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है क्योंकि ये अभी शायद सीखा है ना रिसेंटली तो, लेकिन आप तो काफ़ी समय से सीख रहे हैं और आपने बोला कि आप डांस भी सीखे हैं और आप डांस भी कर रहे हैं और जिस पैशनेट से आप यहाँ पे कर रहे थे, जो ग्रिप में आप कर रहे थे हर एक मूव्स को, उसको देख के तो मैं ही क्या बताऊँ, इम्प्रेस हो गई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरा तरफ से, हमारा शो का तरफ से आपके लिए स्पेशल ऑफर है, आप सिलेक्ट हो चुके हैं, तो आप क्या ये सिलेक्शन लेना चाहेंगे? बोल नहीं सकता ना एक्चुअली, अभी इसी में बहुत बिजी हो गया ना, हम यहाँ नहीं रहने से फिर बहुत तकलीफ हो जाता है, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। अच्छा, तो फिर आप लोगों का शो तो एक दिन का नहीं है, आप लोगों का रियलिटी शो है, महीने भर चला जाएगा। तो नमसा जी, आपको हमने टिकट ऑफर करा तो आप बोल रहे हैं कि आपके पास वक्त नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे टैलेंट होते हैं अरुणाचल में जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं, तो आप उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे और जो जुनून रखते हैं डांस में, कला में, टैलेंट्स में, उनको आप क्या दो शब्दों में मैसेज देना चाहेंगे? मेरा तो ये है कि एक्चुअली यहाँ पे मीन्स अपॉर्चुनिटीज का कम है, तो जितना भी अपॉर्चुनिटीज मिलता है आपको मीन्स उसको ग्रैब करना चाहिए, हाथ से जाना नहीं जाना देना नहीं चाहिए, क्योंकि आर्टिस्टिक लाइन मेरा ही सबसे बहुत टफ है, बिकॉज ये लाइन में आपको मीन्स हर चीज़ इतना जल्दी ऑफर नहीं मिलता है, तो जब आपको मौका मिल रहा है तो कोशिश करना और यहाँ पे ज़रूर एक बार ऑडिशन दे के आप लोग ट्राई करना। थैंक यू, थैंक यू। तो बच्चों, हम लोग सब मिलकर बोलेंगे सड़क का सुपरस्टार, आप रेडी है बोलने के लिए? क्या बोलेंगे? सड़क का सुपरस्टार। क्या बोलेंगे? हाँ, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सड़क का सुपरस्टार। सड़क का सुपरस्टार। स्टार। सड़क का सुपरस्टार। हाँ, ठीक है, सड़क का सुपरस्टार। ओके, रेडी? हीरो, चलो चलो, रेडी, चलो वहाँ में कैमरा में देखिए, बोलेगा आप सब, ठीक है? 1, 2, 3, गो। सरक का सुपरस्टार। ओके, सरक का सुपरस्टार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हीरो, थैंक यू। नमसा जी को मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा और कितना इंस्पायरिंग था उसका कहानी। हमने उसको टिकट भी ऑफर किया और वो ने मना किया है, और आपको पता ही है उन्होंने क्यों मना किया है, वो खुशी है अपना छोटी सी दुनिया में। लेकिन जो मेरा सफ़र है टैलेंट ढूंढने का, यहाँ ख़त्म नहीं होती है।
मुझे आके जाके और भी सफर को लंबा करना है और भी सारे टैलेंट ढूंढना है। कलकत्ता में फिलहाल मैंने सिर्फ एक ही टिकट दी है और नमसा जी को टिकट जब दिया तो उन्होंने बोला उनको डांस स्टूडियो में कॉन्सेंट्रेट करना है और स्टूडियो को आगे बढ़ाना है। कलकत्ता टैलेंट कहाँ मिलेगा? हाय, आप दो मिनट दे सकते हैं मुझे? जी हाँ, जरूर। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हेलो जी, हेलो जी, आप अंदर जा रहे थे? ओ अच्छा अच्छा, तो मैं यहाँ पे चाय पी के मजे ले रही थी। तो एक्चुअली मैं आई हूँ ईटानगर से, यहाँ टैलेंट ढूंढने आए थे। तो अंदर जाके थोड़ा बात करेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओ आप लोग हमको दो मिनट दे, आई एम रियली थैंकफुल, प्लीज कम 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 इन साइड। आपको हम मतलब बाहर में मिला है, इतना अच्छा लगा, आप लोग मेरे लिए रुक ही दिया। मतलब एक्चुअली आप हम इसलिए रुका रहा था, हम शो कर रहे हैं जिसका नाम सरकस सुपरस्टार है और टैलेंट रियलिटी शो है। और चाय चाय ले लो ना, या चाय ठंडा हो रहा है, चाय ले लो, चाय पी लो ना, कौन इतना गर्म गर्म है, टेस्टी चाय, बटर टी बोलते हैं ना, नमक चाय। अब इसका दोस्त है ना, दोस्त है आपका, हमको सच बताओ, हमको सच बताओ ये दोनों क्या करते हैं जब ऐसे बोरिंग बैठने से? ये दोनों जो भैया, ये भैया जो कल्चर ग्रुप में है, ये कल्चर ग्रुप में ही है? बाप रे बाप, और क्या कल्चर ग्रुप में होके हमको नहीं बता रहा, चुपचाप से आगे से सुन ही रहा है ना। तो अभी आप दोनों मिले हैं तो प्लीज परफॉर्मेंस हम देखना चाहते हैं ना आप लोग का। और परफॉर्म करेगा? जी हाँ जी, अभी करेगा मैडम। अभी हम लोग ऐसे हाथ खाली भी कुछ भी बोलते अच्छा नहीं लगता है, अपना लोग इंस्ट्रूमेंट है उसको लेके आएगा हम लोग जाके घर। हाथ खाली मतलब क्या इंस्ट्रूमेंट है? इंस्ट्रूमेंट है तो हम लोग Yeah.
यहाँ के लोग भगवान को बहुत मानते हैं, और इस वक्त मैं भी इस भगवान को धन्यवाद दूंगी कि मुझे इस तरह का नई चीज़ देखने को मिल रहा है। कितना फैसिनेटिंग है यार, ये क्या है मुझे बताइए, क्योंकि मैंने ऐसे पहले कभी देखा ही नहीं। आप जो ये पकड़ रहा है इसको क्या बोलते हैं और ये क्या है? सबसे पहले तो हम आप लोग सबको, मतलब आप लोग ग्रुप वाले को सदा का सुबह में हम ऐसे गाने के लिए मौका मिला, तो हम आप लोग सबको मेरे तरफ से टाशी दिले और कठिन छे हम दोनों हम सभी की तरफ से। और इसको जो बोलेगा कि गिटार का जो है अभी इसका जो ढमनियन बोलेगा ढमनियन, इसको जो मतलब ढानियन मतलब इसका जो आवाज़ जो हम लोग जो सुना थे वो उसको जो ढानियन बोल रहे हैं। इसको ये जो यंग चेन, इसका जो नाम जो यंग चेन है, तो हम लोग इसको भगवान का नाम का रूप से जाते हैं। लेकिन हम लोग सबसे पहले गाना गाते हैं हम लोग भगवान को पूजा करते हैं, मतलब मेरा आवाज़ से मतलब ठीक हो, क्योंकि मेरा वो जो भगवान का नाम है उसका यंग चेन हम है, उसका तरफ से हम ये छो से दाम होगा। ये इसका जो ड्रानियन है उसका बता ये जो यंग चेन है, यंग चेन। अच्छा, यंग चेन। हाँ जी, वाह रे वाह। चलिए हम सुनते हैं ये यंग चेन और आपका ये इंस्ट्रूमेंट। जी छचे छचे ग्रंद नन्बागा छोनु रंग जासिंद मेरे गा चिंगी छचे छोलिं मोमनं सिंगे मोमनं फोत्वा वंगे नंगा बिलो समला छचे 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 ग्रल ननगा छचे 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 ग्रल ननगु छोई शम्गी
हमर पवन गिलन गसो पो समलन गसो पो समला गंगरी गए ओम पवन गिलन गबिलो समलन गबिलो समला छच 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 ग्रल नन गा छच 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 ग्रम नन गु बस थैंक यू सो मच खत्म हो गया जी भाई मैं तो सोच रहा था कि खत्म ही ना हो बचते रहो और मैं यहाँ पे बैठे पूरे दिन बस यही सुनता रहूं सच में मैं आप लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कितना श्रद्धा से कितना इज्जत से अभी तक कल्चर और ट्रेडिशन जो है उसको अभी तक बरकरार रखा है मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोगों को और आप लोगों ने बहुत अच्छा बजाया और इतना अच्छा बजाया कि मुझे यहाँ से उड़ने का मन नहीं कर रहा एक्चुअली में मुझे यहीं बैठने का मन कर रहा तो मेरा शो का आपको पता है ये सरक का सुपरस्टार है तो आप लोगों ने तो ऑलरेडी बहुत जगहों में आपने परफॉर्म करा होगा आपने मुझे बताया कि आपका कल्चर थीम है ना तो कई जगहों में आपने परफॉर्म करा होगा और आप हमेशा करते भी आए होंगे लेकिन क्या है कि जो हमारा जो शो है सरक का सुपरस्टार हमारा शो में आपकी तरह यूनिक टैलेंट और बहुत ही स्पेशल टैलेंट की ज़रूरत है तो मैं आपको ऑफ़र नहीं दूंगी लेकिन ये हमारी तरफ से दरख्वास्त है इनफैक्ट हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ प्लीज़ हमारे शो में आइए आपकी ज़रूरत है हमारे शो में प्लीज़ आप आएंगे पक्का ना ओ माय गॉड मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानूंगी कि ये लोग रेडी है मेरे शो में आने के लिए दिल से मैं दूंगी टिकट कहाँ है मेरा दिल का टिकट दीजिए कॉन्ग्रेचुलेशन आप सिलेक्ट हो गए हैं अगले राउंड में और कलकत्ता से हम ऐसे यूनिक टैलेंट को हम ढूंढ के हम लेके जा रहे हैं ईटानगर वाह वाह तो हम मिलकर बोलेंगे सरक का सुपरस्टार कलकत्ता में मुझे कई सारे टैलेंट्स तो नहीं मिली लेकिन यहाँ के लोगों की सादगी और खुशहाल जिंदगी को देखकर और महसूस कर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं भर चली शेर गांव की और मेरी अगली डेस्टिनेशन शेरगांव का एक जाना माना मोनेस्ट्री में हूँ और मुझे लोग बताया था कि यहाँ पे एक मोनेस्टिक डांस परफॉर्मेंस भी होता है और जो बंदा ने मुझे बताया था उसका फ़िलहाल कोई ठिकाना नहीं है नेटवर्क भी काफ़ी बुरा चल रहा है और फ़ोन ही नहीं लग रहा तो इसलिए मैं सब सोच रही हूँ तब तक आए हैं तो नज़ारा भी मैं देख लेती हूँ और दो तीन चक्कर घूम लेती हूँ यहाँ पर पहाड़ों की वादियों से गलियों के गलियों से खोजे ऐसा सितारा जिस पे तपती है ज्वाला पहाड़ों की वादियों से गलियों के गलियों से खोजे ऐसा सितारा जिस पे तपती है ज्वाला बनवाले खोलो आंखें पक्के करो इरादे जो भी सपने देखे हैं कर ले पूरे सरक का सुपरस्टार सरक का सुपरस्टार सरक का सुपरस्टार सरक का सुपरस्टार ऐसा शुद्धता शांति और सुंदरता किसको देखने को मिलेगा मैं अपने आप को नसीब वाली समझती हूँ जो मुझे ये सब महसूस करने का मौका मिल रहा है आई विश यहाँ पे मैं टेंट लगा सकती और पूरी रात यहाँ पे मैं आराम कर सकती और चैन की नींद सो सकती ये खूबसूरत वादियों में लेकिन क्या है कि ना मेरा सफ़र बहुत लंबा है और आगे मुझे बहुत लंबा सफ़र करना है ना हमेशा की तरह तो इसलिए मैं आप सभी को ले चलूँगी और मिलूँगी अगले एपिसोड में बॉम्ब दिला
मुझे निराश मत करना, ओके? आप लड़की है या लड़का? सरका सुपरस्टार